दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा निर्णय अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी आपने देखा 41 लेक्चर में संश्लेषण विधि को, अब देखिए 42 में आप पढ़ेंगे क्या भैया, जैसे कि अनुसंधान विधि एक होता है, बहुत इम्पोर्टेंट विधि है। लेक्चर 42, अब देखिए लेक्चर 42 में यह है आपका लेक्चर 42। यह कौन, इस लेक्चर में आप अनुसंधान विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसे ह्यूरिस्टिक मेथड कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक मेथड अनुसंधान विधि, इस विधि का जनक कौन था दोस्तों? एडवर्ड, देखिए इस विधि का जनक, अब आपका हेनरी एडवर्ड करके, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग थे, ठीक है। और यह लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा की ह्यूरिस्को शब्द से लिया गया है। ह्यूरिस्को शब्द से लिया गया है कि सबसे, ह्यूरिस्को शब्द से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है आई फाउंड आउट, मतलब मैं खोज करता। इसीलिए इस विधि को खोजी विधि भी कहा जाता है। इस विधि को खोजी विधि, भी कहा जाता है, क्योंकि इस विधि में क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है, ठीक है। और इसमें विद्यार्थी अपने आप को एक खोजकर्ता के रूप में देखता है, एक खोजी के रूप में देखता है। इस विधि में, विद्यार्थी अपने आप को अनुसंधानकर्ता या खोजी के रूप में प्राप्त करता है, ठीक है। ये हुआ, अब एग्जाम्पल देखिए कैसे खोज करना। जैसे ए की घात 0 = 1, इसको आप क्या करिए? प्रूव करना, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो कि ए की घात 0 = 1, इसको प्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ए की घात 5 / 1 क्या हुआ? 3 हुआ, ठीक है। अब हम करते क्या हैं, ऊपर 1 × 1 × 1 × 1 5 × 1, 2, 3, 4, 5, नीचे 1 × 1 × 1 3, आपने देखा कि इससे कट जाएगा, बचा क्या? 1 / 2। तो अगर हम इसको इसमें घटा देते तो भी आपको मिल जाता। जैसे यहाँ पर दिया जाए, आपने देखा है कि 1/m / 1/n, अगर 1/m में 1/n से भाग दिया जाए, तो जैसे आपने देखा कि यहाँ 1/m / 1/3, तो आप इसको इसमें से क्या करिए? घटा दीजिए। तो आपने देखा कि 1/5 - 3 = 1/2, चाहे इससे करिए चाहे ऐसे, तो आप क्या कर सकते हो? 1/m - 1/ क्या हो जाएगा?
एन एम माइनस एन आप एक सूत्र के रूप में भाग में घाते घटती हैं। उसी तरीके से यहाँ एक का मतलब क्या होता है, ए बटा ए, ए में से ए कट जाएगा, एक को हम क्या लिख सकते हैं, ए बटा ए। तो आपको पता है अब जिसकी घाते कुछ नहीं उसकी घात क्या माना जाता है, जीरो, क्या माना जाता है, जीरो। तो अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, ए की घाते यहाँ एक माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा। अब यहाँ एक में से एक गेन क्या मिला आपको, जीरो, ए की घाते जीरो मिल गया कि नहीं मिल गया, प्रूफ हो गया कि नहीं प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना ही क्या कहलाता है, अनुसंधान विधि है। मैं आपको बता दूं एक बार, अनुसंधान विधि इसको ह्यूरिस्टिक मेथड के नाम से जाना जाता है। और इस विधि का जो जनक था वो कौन था भैया, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग थे। और जो आपका ह्यूरिस्टिक या जो है अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा के किससे, ह्यूरिस्को शब्द से लिया गया है, ठीक है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, आई फाउंड आउट, अर्थात मैं खोज करता। और इस विधि को इसी कारण खोजी विधि भी कहा जाता है। और इस विधि में विद्यार्थी अपने आप को क्या करता, अनुसंधान करता या खोजी के रूप में प्राप्त करता है। तो ये आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, इस तरीके से समझाया। अब इसके गुण और दोष के बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए इस विधि का गुण, जैसा कि आपने देखा कि इस विधि का गुण, अब देखिए इस विधि में क्या होता है कि आपका तार्किक क्या क्यों कैसे का जवाब मिलता है, और क्या क्यों कैसे का जवाब मिलता है इसी कारण क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, नंबर एक। नंबर दो, यह एक आपका मनोवैज्ञानिक, यह बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है, यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है, ठीक है, यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होती है, ठीक है, यह एक मनोवैज्ञानिक है, यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए क्या होता है, अधिक उपयोगी होता है। अब आगे ध्यान रखिए, इसमें बच्चों का क्या होता है, तार्किक विकास होता है, इस विधि से विद्यार्थियों का तार्किक ज्ञान बढ़ता है, मतलब तर्क करने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। अब आपको इसको अवगुण के बारे में बता देते हैं, ठीक है, इसका दोष क्या क्या है। इस विधि में समय ज़्यादा लगना है क्योंकि सिद्ध करना पड़ता है, इस विधि में समय अधिक लगता है। नंबर एक, इस विधि में क्या होता है भैया, समय अधिक लगता है। और सबसे बड़ी कमी क्या होती है, यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती है, यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती है। दोस्तों आज इतना ही, शेष हम नेक्स्ट वीडियो में लेके मिलेंगे, अंतिम विधि आपका, अंतिम विधि हम आपको लेक्चर 43 में बताएंगे, जिसे समस्या समाधान विधि कहा जाता है। समस्या समाधान विधि के बाद
हम आपको पेपर से संबंधित सवाल को हल कराएंगे। और आज इतना ही, शेष नेक्स्ट डे।